Hey guys, very very welcome back to my channel. वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, मैंने दो हफ्ते से कोई वीडियो नहीं डाल पाई है, उसके लिए सॉरी. एंड मैं आपको बता दूँ, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है. एक या दो लोग भी अगर बोलते हैं कि मैम ऐसा वीडियो चाहिए है, तो मुझे वैसा वीडियो बनाना अच्छा लगता है. वैसे तो चुन्नी की मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, बट इस पे जो मैं नाम लिखती हूँ उसके लिए काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि कैसे लिखते हैं. वैसे तो मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है, बट इस वीडियो में मैं थोड़ा ब्रीफली बताने वाली हूँ. शायद जल्दी जल्दी उसमें बता देती हूँ तो लोगों को नहीं समझ में आता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा क्लियरली बताने वाली हूँ. सो वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो बहुत ज़रूरी होने वाला है. अगर आप स्किप कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मुश्किल आ सकती है. और अगर आप पूरी वीडियो का ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, इसकी स्टिचिंग का कैसे क्या करना है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं. इसमें मैं सिर्फ आपको लिखना बताने वाली हूँ. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. पहले आपको ये जो पट्टी है जिसपे नाम लिखना है उसका मिडिल पार्ट चेक करना है. तो मिडिल पार्ट आप कैसे मतलब आइडिया लगा सकते हैं, तो जैसे मुझे लिखना है अमित की सपना. अब ये नाम काफ़ी छोटे छोटे हैं तो ये कम पार्ट में आ जाएंगे, बट यहीं अगर कोई बड़ा नाम होता है, अनामिका, योगेंद्र या कुछ भी बड़ा नाम हो सकता है ना, तो उसके लिए हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है. बट मेरा नाम छोटा है इसलिए मैं बीच का पार्ट कम रखने वाली हूँ. क्या किया, दोनों साइड के किनारों से 12 इंचेस पर मार्क किया. तो जो दोनों साइड से हमने 12 पे किया, तो जो बीच का पार्ट था वो हमें बच गया. अब जो बीच का पार्ट हमने बचाया हुआ है उसमें हम एक एक इंच के समथिंग ऊपर और नीचे की साइड से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे. इससे होगा क्या, जब हम नाम लिखेंगे ना तो वो इक्वली हम लिख पाएंगे, जो लेटर्स होंगे उनका शेप यहाँ वहाँ नहीं जाएगा. सो ऊपर की साइड से भी मैंने थोड़ा सा, एक्चुअली मैंने इसी इंची टेप की हेल्प से ही दोनों साइड लाइन खींच ली थी. आप स्केल भी यूज़ कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे चॉक की हेल्प से डायरेक्ट नाम लिखना स्टार्ट कर दिया था. अगर आपको डायरेक्ट लिखने में प्रॉब्लम होती है तो आप जो नाम आपको लिखना है उसका प्रिंटआउट निकलवा सकते हैं और लिखने के लिए उसकी हेल्प भी ले सकते हैं. अब जो फर्स्ट नेम था वो मैंने स्टार्टिंग से तो लिख दिया, बट जो सेकेंड नाम है और बीच का की है उसको हम कहाँ से लिखेंगे. तो जो सेकेंड नाम है वो है सपना. तो सपना मैंने पीछे से लिखना स्टार्ट किया, ताकि पीछे से लिखते आएंगे तो हमें जो बीच का स्पेस है वो मिल जाएगा कि हाँ इतना बच रहा है, अब हमें इसमें की एडजस्ट करना है. अगर हम पहले की लिख लेंगे या सपना थोड़ा, फिर मैं थोड़ा और आगे से स्टार्ट कर दूंगी और जो हमने 12 इंच पे मार्क किया था उससे आगे निकल जाएगा, तो फिर दोनों साइड का जो स्पेस है वो इक्वल नहीं रहेगा. तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से नाम लिख लिए हैं. अब जो हर्ट्स होते हैं ना दोनों साइड में बनाती हूँ, तो वो इक्वल कैसे बनते हैं, उसका बहुत ही ईजी ट्रिक है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ. पेपर पर मैंने सेम क्या, एक ही हर्ट मैंने पेपर पर कट किया था, बस साइज़ देख लिया था कि हाँ मुझे इतने साइज़ का चाहिए. उस पर मैंने चौक से एक साइड पूरा अच्छे तरीके से रब कर लिया, जिससे कि चौक उस पर लग गई थी अच्छे से. और फिर उसको मैंने उल्टी साइड से अपने जो नाम है उसके आगे और लास्ट में रख करके टैप टैप कर दिया ना, तो वो पूरा का पूरा छप गया था. अब लेना है हमें फैब्रिक ग्लू. तो डायरेक्ट फैब्रिक ग्लू को यूज़ करना थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है, इसलिए मैंने इसको डिब्बी में निकाल लिया था और हल्का सा इसमें पानी ऐड किया था, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक होता है और मुझे थोड़ा सा कंसिस्टेंसी ठीक से हल्की सी लाइट रखनी होती है. तो ना बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में आए और ना बहुत ज़्यादा थिक हो, ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ हमें ब्रश की हेल्प से ही इस पे लिखना है. याद रहे, अगर आप सोचेंगे कि डायरेक्ट आप जो ग्लू का डिब्बी रहती है ना, आप चाहेंगे कि उसी से डायरेक्ट लिख जाए कि उसमें भी तो स्टार्टिंग में जो निब होती है ना, तो उससे आप लिख सकते हैं, बट नहीं, उससे आप नहीं लिख सकते हैं, मानिए इस बात को. ठीक है, ब्रश से लिखेंगे तो बहुत बहुत बेटर होगा. सो ब्रश से मैंने फेविकॉल की हेल्प से हर्ट पे पूरा ग्लू किया, उसके बाद स्पार्कल को इस तरीके से डाल दिया. अब मेन पॉइंट यहाँ ये भी है कि आपको इसे इस तरीके से दबाना है. अगर आप इसको नहीं दबाएंगे और ऐसे ही पलट देंगे ना, तो वो उतना अच्छे से आपका जो ग्लू और स्पार्कल है वो वेलवेट पे चिपकेगा ही नहीं. और अगर आप नॉर्मल फैब्रिक पे लिख रहे हैं तो आपका बिना ऐसे हाथ से प्रेस किए बिना ही चिपक जाएगा, लेकिन अगर आप वेलवेट पे लिख रहे हैं तो 110% लिख के ले लीजिए. अगर आप ऐसे ही पलट देंगे तो वो नहीं लिख पाएगा.
सो हाथ की हेल्प से बिना इधर उधर खिसकाए हुए, मतलब आपका हाथ यहाँ वहाँ नहीं खिसकना चाहिए, बहुत ही अच्छे से आपको इसे प्रेस कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने हर्ट पे किया था वैसे ही मैंने ए बना लिया। और इस पर भी मैं देखिए आप फिंगर की हेल्प से दबा रही हूँ हल्के हल्के हाथों से, और ऐसे ही मैंने पूरा अमित नाम लिख लिया। अब इसको धीरे धीरे से हमें जहाँ जहाँ नहीं लगा हुआ है स्पार्कल वहाँ हाथ की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हिलाना है उसको, और एक्स्ट्रा जो स्पार्कल है उसको हमें पेपर पर झड़ा देना है। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो हमने लिखा है उसके आसपास भी स्पार्कल दिखता है, क्योंकि हम इसको जब प्रेस करते हैं तो जो रेशे होते हैं ना स्पार्कल वेलवेट के, उसमें स्पार्कल अंदर चला जाता है। तो अब आप ऐसे इसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते जाएंगे जब हाथ की हेल्प से, तो ये काफ़ी हद तक निकल जाएगा, बट पूरा नहीं निकलेगा। पूरा कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हमने अमित लिखा था वैसे ही की और सपना भी लिख लिया। अब हमें इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, इसको हमें ओवरनाइट छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। एंड नेक्स्ट डे मैं आपको बताऊंगी, मतलब नेक्स्ट डे नहीं, मैं इसी वीडियो में आपको अब बताने वाली हूँ। मेरी सुबह हो गई है और अब हमें क्या करना है, हमें लेना है ब्रश। ब्रश आपको बहुत हार्ड नहीं लेना है, पेंटिंग वाला ब्रश आप ले सकते हैं, टूथब्रश मत लीजिएगा। एंड ब्रश की हेल्प से अब आप बहुत ही ईजली पूरा का पूरा जो भी एक्स्ट्रा स्पार्कल है उसको रिमूव कर सकते हैं। आप जो लिखा हुआ है उस पर भी अगर ब्रश करेंगे ना ऐसे, तब भी वो नहीं हटने वाला है, जितना हमें हटाना है बस वही हटेगा। सो पूरे जो लेटर्स हैं उनके चारों साइड अच्छे से हमने ब्रश की हेल्प से स्पार्कल को निकाल लेना है। और जैसे मैं ये एक नाम का हटा रही हूँ ना, सेम वैसे ही ये बाकी का जो है ना आगे का वो भी हट जाएगा। अब आप ये अमित लिखा हुआ देखिए और जो सपना लिखा हुआ है वो देखिए, डिफरेंस है दोनों में, है ना। देखिए अमित एंड की को मैंने झड़ा लिया है और सपना पे कितना ज़्यादा स्पार्कल लगा हुआ है। तो अब सेम तरीके से हम पूरा का पूरा स्पार्कल रिमूव कर लेंगे। अब आती है जो चौक के निशान बचे हुए हैं इनकी बारी, और एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत स्पार्कल बचा है उसकी बारी। तो ब्रश को हमें हल्का सा गीला कर लेना है, हल्का सा ही पानी लेना है, ज़्यादा वेट मत कीजिएगा। और इस तरीके से जहाँ जहाँ लिखा हुआ है और जहाँ एक्स्ट्रा स्पार्कल लगा हुआ है उसको हम ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, पूरा हमने नाम भी लिख लिया, कितना क्लियरली लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। सो चुन्नी हमारी बनकर के कंप्लीट है। अगर आपको ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स एंड टिप्स अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।